सो आप लोग को पता अदनान अभी इविक्ट हो चुकी है। अदनान इविक्ट होने के बाद एलविश यादव पे गुस्सा दिखाते हुए स्टोरी शेयर करी है। जैसे कि आप लोग को पता वीकेंड के बारे में जब एलविश यादव गए थे तो अदनान के बारे में कहे थे कि उसको थोड़ा मेंटली इलाज का जरूरत है। तो इसी चीज पे और अपने इविक्शन पे अदनान क्या कहे आप लोग खुद देखिए। तो मैं एक सडन टास्क की वजह से इविक्ट हो गया हूँ और एक हफ्ता घर में था, पर एक हफ्ता शेर के तरह था, गीदड़ के तरह नहीं, और बहुत ही अच्छा खेला मैंने, अपना 100% दिया। बाहर आके आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख के तो अरे बाप रे बाप, क्या बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ, बहुत ही लकी हूँ कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट किए। और बहुत सारे नकली गैंगस्टर लोग की आवाज़ भी बहुत निकली है, तो अभी एक एक का उतारा लेऊंगा, सबका टोटल होगा, सबका हिसाब किताब होगा। सिस्टम को हैंग करना है अभी, बहुत जो बड़ी बड़ी बातें आके की है ना कि किसको क्या इलाज की ज़रूरत है, तो अभी आके सबका एक एक का इलाज करेंगे। तो अभी थोड़ा देख लेता हूँ कि कितनी बातें हुई हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेता हूँ, फिर एक बार में लेंगे उतारा। सिस्टम हैंग। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग एलविश यादव और अदनान को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पे आप लोग अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना छोटा सा अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।